सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह नहाकर मंदिर आई थी तो सोचा चलो तुम सबको भी दिखा दूं। ये मंदिर है ना जो हमारे घर के जस्ट सामने है, और मंदिर आने के बाद तिलक लगाना तो बनता है ना बॉस। सो गाइस, अभी हम लोग पार्लर पे आए और मैं फालतू बैठी थी तो सोचा कि वीडियो ही बना लूं। बानर सेना भी आ चुकी है, मिठाई भी रेडी है, और यहाँ सोनी जी अपने रस्मों रिवाजों में लगे हैं। क्या करें, बहन की शादी जो है। टेंट भी आ गए हैं गाइस, शाम को हल्दी का प्रोग्राम है तो अभी टेंट लगाए जाएंगे यहाँ पे। बस धूप की वजह से रुके हैं सब, तो चलो टेंट भी लगने ही वाला है। थोड़े से पर्दे रह गए हैं, वो और लग जाए, उसके बाद हम अपनी डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। वाह यार, क्या मस्त हल्दी बनाई है। सो गाइस, मेरी तो मेहंदी लग चुकी है, सारे के सारे मेहंदी लगाने में बिजी है, क्योंकि कल सुबह तो हम लोग को निकलना ही, इसलिए किसी को टाइम ही नहीं मिलेगा फिर लगाने का मेहंदी, इसलिए सबके सब मेहंदी लगाने में बिजी है। ये रचना ने लगा ली मेहंदी अपने हाथों पर, और ये आंसी की मेहंदी है, ये मिस मोहिनी जिसकी शादी है, ये हमारी ब्राइड की मेहंदी, बहुत ही मस्त मेहंदी लगाई है इसकी फ्रेंड ने, ये देखो। और हम लोग को एकदम से याद आया कि हमारी ड्रेसेस तो अभी लाना बाकी है, क्योंकि सुबह सुबह तो हमें निकलना ही है तो रात में तो लेके रखना पड़ेगी ना, तो अभी हम लोग भागते भागते वहीं पर जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने बुक किए थे अपने ड्रेस, ये वाला बुक किया था रचना ने लहंगा ब्लैक कलर का, और आज ये सजा के इसलिए रखा है क्योंकि इसकी बुकिंग है आज की, तो ये सुबह मिलेगा, रचना को आज नहीं मिलेगा। और मेरी और मोहिनी की जो भी ड्रेस है यहाँ निकाल के रखी है। देखो भाई, हमारी आरोही भी आई है हमारे साथ में, मैडम को लेबोन का सीरम चाहिए बालों में डालने के लिए। तो भाई बहुत खतरनाक तरीके से डिस्कशन चल रहे हैं। ये रहा मोहिनी का लहंगा और मेरी गाउन, और इनके बैग इतने बड़े बड़े हैं कि भैया बोल रहे हैं आप लोग लेके नहीं जा पाओगे, आप लोग जाओ घर पे, हम आपके घर भेज देंगे। तो चलो, मोहिनी का लहंगा इस वाले बैग में जाएगा, क्योंकि ब्राइड के लहंगे तो वैसे भी इतने हैवी होते हैं तो हम तो लेके नहीं जा पाएंगे। ये गिफ्ट देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने ही पैक करवा के रखी है मोहिनी की शादी में बांटने के लिए।